नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें कि मुझसे पूछा गया कि मैम, करवा चौथ का जो हम व्रत करते हैं उससे हमारे बच्चे पे क्या असर पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताऊँगी कि करवा चौथ का व्रत करने से आपके बच्चे पर क्या असर पड़ता है। इसके अलावा मैं यह भी बताऊँगी कि करवा चौथ का व्रत करने से आप पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि व्रत के दौरान आप कुछ खाते पीते हो नहीं, तो इसका असर आप पे और आपके बच्चे दोनों पे ही पड़ता है। क्या क्या पड़ता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। करवा चौथ व्रत के दौरान क्या होता है कि हम कुछ भी खाते पीते नहीं हैं, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते हैं। जब हम कुछ खाएंगे पियेंगे नहीं तो नॉर्मल सी बात है कि हमारे शरीर में पोषक तत्व नहीं जाएंगे, और जितना पोषक तत्व आपके बच्चे को डेली मिल रहा था, आपको मिल रहा था, वो नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल सी बात है कि थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही। इसके अलावा दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को बहुत सारा कैलोरी लेना होता है, और यदि आपको जितना कैलोरी लेना होता है उतना कैलोरी आप लेते नहीं हो, तो इससे क्या होता है कि आपका हार्मोन्स बिगड़ जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, यानी कि आपका जो नेचुरल मेटाबॉलिज्म होता है उसका लेवल बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से कि आपको बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। और नॉर्मली आपने देखा भी होगा कि भूखे पेट रहने से आपके साथ बहुत कुछ हो जाता है, जैसे कि उल्टी आना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, जी मिचलाना, थकान रहना, कमजोरी आना, बहुत सारी महिलाओं का बीपी डाउन हो जाता है। दिन भर भूखे रहने से सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है एसिडिटी की, और इस वजह से आपके पेट में दर्द भी हो जाता है। और कई बार यह भी देखा गया है कि जो महिलाएं 8वें या फिर 9वें महीने की प्रेग्नेंट हैं, उनको पेट में इतना दर्द होता है कि वो हॉस्पिटल चली जाती हैं, उन्हें लगता है कि उनकी डिलीवरी होने वाली है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाती हैं तो उनको पता चलता है कि यह तो एसिडिटी की वजह से हो रहा था, और डॉक्टर उनको वापस घर भेज देते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि आपका एसिडिटी कितने उच्च लेवल पे हो जाता है, जो कि आपको हॉस्पिटल पहुंचा देता है। तो इससे आपको पेट दर्द हो सकती है, मतलब कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है भयंकर वाली, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को वैसे भी बहुत ज़्यादा थकान रहता है, और प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में और ज़्यादा थकान रहता है। तो क्या होता है, यदि आप भूखे प्यासे रहते हो इससे आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, थकावट की वजह से आपको बहुत ज़्यादा नींद भी आती है, और कई दिनों तक आप कमज़ोर महसूस करते हैं, थके हुए महसूस करते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा नींद भी आती है, और कुछ दिनों के बाद जाके ही आप ठीक हो पाते हो, ठीक है। एक दिन व्रत करते हो लेकिन परेशान कई दिनों तक रहते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप पूरे दिन पानी वगैरह नहीं पीते हैं, कुछ लिक्विड नहीं लेते हो, तो इससे आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, तो आप खुद सोचो कि आपका हालत क्या होगा, आपके बच्चे का हालत क्या होगा, क्योंकि आप जो पानी पीते हो उसका फ़ायदा आपके बच्चे को भी मिलता है, और पानी नहीं पियोगे तो नॉर्मल सी बात है कि इसका नुकसान आपको भी होगा, आपके बच्चे को भी होगा, और आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। डिहाइड्रेशन की वजह से आपको चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, उल्टी आना, तो पानी ना पीने की वजह से भी आपको बहुत सारी परेशानी हो जाती है, ठीक है। और आपको परेशानी होती है तो नॉर्मल सी बात है कि आपके बच्चे को भी परेशानी होती ही है, उसके शरीर में ठीक से पोषक तत्व नहीं जाता। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो महिलाएं कमज़ोर होती हैं, उनका बच्चा कमज़ोर होता है, मतलब कि कम वजन का होता है, ऐसी महिलाओं के साथ व्रत के दौरान सबसे बड़ी परेशानी होती है समय से पहले डिलीवरी की। और बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं ऑलरेडी कमज़ोर थी, उनका बच्चा कमज़ोर था, उनको समय से पहले डिलीवरी हो गई, यानी कि उनका प्री मैच्योर डिलीवरी हो गया। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है, क्योंकि दोस्तों, समय से पहले डिलीवरी होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी, यह बात तो आप जानते ही हैं। आगे दोस्तों देखो, जो महिलाएं बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, आपको खुद ही पता होगा कि आप स्वस्थ हो या नहीं हो, आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हैं, तो आप आराम से व्रत कीजिए। लेकिन मान लीजिए कि आपके साथ ऑलरेडी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हो, या फिर मान लो कि आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, और ख़ास तौर से आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या फिर आपके घर में 2 बच्चे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको यही सलाह दूंगी कि आप व्रत बिल्कुल ना करें। और यदि आप व्रत करना चाह रही हैं तो आप निर्जला व्रत ना करें, मतलब ये कि आप कुछ ना कुछ दिन भर खाती पीती रहें। अगर आप दिन भर कुछ ना कुछ खाती पीती रहेंगी तो इससे आपके शरीर का ब्लड शुगर लेवल सही बना रहेगा, नहीं तो आपका ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाएगा, जिससे कि आप बीमार पड़ जाओगे। अब आप कैसे खा पी सकते हो उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि आप सुबह उठ के सरगी ज़रूर ले लीजिए। सरगी का टाइमिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो वो टाइमिंग देख लीजिए, उस हिसाब से सरगी ले लीजिए।
सरगी लेने के बाद भी आपको भागा दौड़ी नहीं करनी है, सो जाना है, आराम करना है, दिन भर कोई भागा दौड़ी वाली काम नहीं करनी है आपको। और शाम में आपको पूजा करना है, पूजा करने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ खा लेना है, पूजा करके खा लीजिएगा, उसके बाद चांद निकल जाता है आप तब खा लीजिए। और एकदम से व्रत खोलने के बाद हैवी खाना भी ना खाएं, बात का ध्यान रखिए, क्योंकि इतना लंबा व्रत करने के बाद आप एकदम से बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाओगे, इससे भी आपको दिक्कत हो सकती है और ख़ास तौर से पाचन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों ये तो उनके लिए है जो महिलाएं बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन आप अस्वस्थ हो और मैंने आपको बहुत सारी परेशानी बताई, एनीमिया, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की, या फिर आपके गर्भ में दो बच्चे हैं, तो आपको क्या करना है कि आप व्रत कीजिए, लेकिन आप निर्जला व्रत मत कीजिए, दिन भर पानी पीती रहिए और कुछ ना कुछ खाती रहिए, जैसे कि आप फ्रूट्स खाइए, आप जूस पीजिए, आप नारियल पानी पीजिए और आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाइए, ताकि आपका व्रत भी ना टूटे और आपको कोई दिक्कत भी ना हो। क्योंकि यदि आप पूरे दिन भूखे प्यासी रहेंगी तो इसका असर आपके बच्चे पे बहुत बुरी तरीके से पड़ेगा और आप पे भी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए और आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।